हाय सीएबी स्टूडेंट्स, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज आप सबके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। आज मेरे साथ है सीएमए पूजा मिश्रा। एंड सीएमए पूजा मिश्रा रिसेंटली अभी सीएमए क्वालिफाइड किए हैं एंड इनका कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ है। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएमए इंटरमीडिएट फाइनल और सारे लेवल सीएमए के क्लियर किए। इनफैक्ट अगर मैं कैंपस भी बोलूँ तो वो भी वन अटेम्प्ट ही होता है, वन शॉट में कैंपस भी क्लियर किया है। सो पूजा के पास सीक्रेट्स है फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरीके से एग्जाम क्रैक करना है। सो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास से डाउट लेके आ रहे थे कि सर मैं सीएमए में मैं काफ़ी टाइम्स में पेपर दे रहा हूँ, या फिर सीएमए मैं फाउंडेशन मैंने क्लियर किया है अभी रिसेंटली, मैं किस तरीके से बोथ ग्रुप की प्लानिंग करूँ कि मैं सीएमए वन शॉट में क्लियर करूँ। बिकॉज आप सबको मालूम है सीएमए में अटेम्प्ट्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आपको एक अच्छी कैंपस चाहिए या फिर अच्छी जॉब चाहिए तो आपको वन शॉट में एग्जाम क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अप्रॉक्स 70-80% कंपनी जो कैंपस में आ रही है वो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट्स को ही प्रेफरेंस देती है। सो वो फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम कैसे क्रैक होगा, लाइक मोस्टली प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को किस किस एरियाज में आते हैं, कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस किस फैकल्टी से लेनी है, ये डिसाइड करने में बच्चे एक महीने अप्रॉक्स टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं सिर्फ फैकल्टीज डिसाइड करने और डेमो लेने में। सो ये प्रॉब्लम हम इस कोर्स के थ्रू आपका रिजॉल्व करेंगे। रिवीजन स्ट्रेटजी क्या रखना चाहिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल टॉपिक्स या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आता है, किस तरीके से हमें याद करना है, या फिर हम आंसर हमें आता तो है स्टार्ट करें और कैसे एंड करें किसी क्वेश्चन के आंसर को, ये भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है। हम रिवीजन कितनी टाइम करें, हम स्टडी और क्लासेस को मैनेज किस तरीके से करें, नोट्स हमें कैसे बनाने हैं कि हम लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन करते समय कितने क्वेश्चंस एक चैप्टर के हमें एक साथ सॉल्व करना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स होंगे आप सबके दिमाग में ऑलरेडी। सो ये कोर्स उन सारे डाउट्स का सॉल्यूशन है। और हमारे साथ यहाँ पूजा है। सो पूजा भी आप, मैं कह सकता हूँ वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूजा आपको इस 8% ट्रस्ट कर सकते हो इस कोर्स पे। सो हाय पूजा, कैसे हो आप? हाय, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एंड थैंक यू कि आपने कनेक्ट किया एंड स्टूडेंट्स के लिए आप एक अच्छा कोर्स लॉन्च कर रहे हो। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस कोर्स को लेने के बाद वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर सकते हैं एंड उनको प्रॉपर गाइडेंस आपसे मिलेगा। सो एक्चुअली आपका थॉट आया कैसे था कि आपको ये कोर्स लॉन्च करना है? भैया ये थॉट मुझे ऐसे आया था कि लिंक्डइन पे जितने भी सीएमए फाउंडेशन बच्चे अभी क्लियर किए ना, तो दीदी मुझे गाइड बताइए कैसे एग्जाम क्लियर करें या फिर कैसे, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आने लगे। तो एक एक तो इंडिविजुअली मैं जाके सबको वो सारे प्लान्स नहीं बता सकती, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म रहेगा, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म रहेगा तो वो बहुत सही रहता है बच्चों को गाइडेंस देने का। तो इवन मेरे जो रिलेटिव्स हैं जिनके बच्चे कर रहे हैं तो दीदी कैसे करना है, तो इतने सारे बच्चों का मतलब इंडिविजुअली कर पाने, क्योंकि हम और आप एक बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर दिन हर बच्चों का डाउट्स, मतलब इतने सारे बच्चों का डाउट्स क्लियर करें। एक प्लेटफॉर्म रहे तो उस पर हम आराम से गाइडेंस दे सकते हैं। तो वहां से मुझे एक आइडिया आया कि इतने सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, एक काम ऐसा करते हैं कि कोर्स लॉन्च कर देते हैं जिसपे सारे बच्चे एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो इंडिविजुअली मुझे सबको बताना नहीं पड़ेगा कैसे करना है क्या करना है। तो यहाँ पे सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे मैं प्रॉपर गाइडेंस दूंगी कि एग्जाम कैसे क्लियर करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर बाय चांस किसी का बहुत मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी लग गया तो ये कोर्स उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तभी वो क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो ये कोर्स उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले हैं, या फिर जिनके भी सीएमए फाउंडेशन क्लियर हुआ है और इंटरमीडिएट में वो एनरोलमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो ये कोर्स सबके लिए बेनिफिशियल होगा। और गाइडेंस बहुत जरूरी होता है कोई भी कोर्स में एनरोलमेंट के पहले। राइट, सो बेसिकली अगर हम बात करें, ये हमारा कोर्स का पोस्टर है, आप सबको दिख रहा होगा, पास सीएमए एग्जाम गाइड एस दी सीएमए एग्जाम इन वन अटेम्प्ट। और बेसिकली इस कोर्स को पूजा ने 8 मॉड्यूल्स में ड्राफ्ट किया है। ये 19th ऑफ नेक्स्ट मंथ ये लाइव क्लासेस, सॉरी 19th ऑफ दिस मंथ 19 अगस्त से ये क्लासेज आपको लाइव स्टार्ट होगी, जिसकी क्लासेज जूम के थ्रू सैटरडे संडे में होगा एंड आपको वहीं से प्रॉपर प्लानिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
अगर आप इस कोर्स कंटेंट को अगर आप देखोगे तो पूजा ने इस कोर्स को 8 टॉपिक्स के अंदर कवर किया है, 8 मॉड्यूल्स ड्राफ्ट किए हैं। सो पूजा, वन बाय वन आप जस्ट शॉर्ट बच्चों को बता दो कि आप क्या एग्जैक्टली इस कोर्स के अंदर आप ईच मॉड्यूल्स में आप स्टूडेंट्स को आप बताने वाले हो। सो ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल है। हाँ, तो भैया इसमें पूरा का पूरा 8 मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल 1 में क्या है, एग्जाम फॉर्मेट। कोई भी एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले हमें पता करना चाहिए कि उसकी फॉर्मेट क्या है। मैंने बहुत लोग का ये प्रॉब्लम देखा है कि वो एग्जामिनेशन फॉर्मेट ही नहीं देखते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने एमसीक्यूज आते हैं, कितने डिस्क्रिप्टिव आते हैं, ये उन्हें पता ही नहीं होता। सबसे पहला क्लास जो पहला मॉड्यूल 1 होगा, यहाँ पे मैं बताऊंगी कि एग्जामिनेशन का फॉर्मेट क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, या पासिंग क्राइटेरिया क्या होती है, क्या पासिंग क्राइटेरिया है। जैसे इंटरमीडिएट का 10% होता है और फाइनल का 8.81% पासिंग क्राइटेरिया होती है। अब हम डिसाइड करेंगे बच्चे बोथ ग्रुप जाना चाहिए सिंगल ग्रुप। जैसे बहुत सारों का मेंटालिटी होता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, सब बोथ ग्रुप के लिए जाते हैं, बोथ ग्रुप जाएंगे रैंक लाएंगे, बोथ ग्रुप जाएंगे रैंक लाएंगे। बिल्कुल जाना चाहिए, पर हम ये भी देखेंगे कि टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि मिनिमम एक टाइम होता है कि इसमें ही बोथ ग्रुप क्लियर कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि इसमें मैं गाइड करूंगी कि बोथ ग्रुप जाना है या सिंगल ग्रुप जाना है, और मिनिमम टाइम कितना रिक्वायरमेंट लगेगा बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप के लिए। क्योंकि अगर आप ये ना देखें कि मिनिमम टाइम क्या लग रहा है और आपका अनफॉर्चुनेटली अटेम्प्ट लग जाता है, तो ये बहुत 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 प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, क्योंकि आपका कैंपस में फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का सबसे ज्यादा प्रेफरेंस रहती है। मॉड्यूल टू में ये बताऊंगी कि कौन से सेल्फ स्टडी सब्जेक्ट्स है, कि हाँ ये सेल्फ किए जा सकते हैं, इसके लिए कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मॉड्यूल थ्री में मैं ये बताऊंगी कि कोचिंग रिकमेंडेड सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कि हाँ इसके इस सब्जेक्ट के तो कोचिंग बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि आपका इंटरमीडिएट में बेस बनता है और इंटरमीडिएट का बेस आपका फाइनल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो कोचिंग रिकमेंड सब्जेक्ट्स में बताऊंगी, हाँ इसकी कोचिंग तो लेनी ही चाहिए, इससे क्या होगा कि आपका बेस एक तैयार हो जाएगा। अब होता है मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में मैं बताऊंगी प्लान योर स्टडी टाइम, कैसे प्लान करेंगे अपनी स्टडी टाइम को। एक मैं यहाँ पे आपको टाइम स्केड्यूल दूंगी कि हाँ ये एक स्केड्यूल टाइम होता है, ऐसे अगर आप पढ़ते हो तो 100% आप पास होगे, उसमें इसकी तो गारंटी है। जैसे मैं पर्सनलाइज स्केड्यूल दूंगी फॉर अगर ग्रुप 1 है या बोथ द ग्रुप्स है। अच्छा, बैलेंस कैसे करेंगे अगर सेल्फ स्टडी है और कोचिंग है, अगर आप कोचिंग भी ले रहे हो और सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो वो कैसे मैनेज कर रहे हो। कुछ सब्जेक्ट अगर आपने सेल्फ स्टडी कर रहे हो और कुछ सब्जेक्ट आप कोचिंग ले रहे हो तो उसको आप बैलेंस कैसे करोगे, तो ये मैं मॉड्यूल 4 में बताऊंगी। मॉड्यूल 5 में मैं बताऊंगी कि की कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रेटजीज क्या होती है। मेनली क्या होता है कि क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल मैं दूं कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसे हर सब्जेक्ट में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिसको आप कभी छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो ABC कैटेगराइज वाइज जो चैप्टर्स होते हैं ये मैं इसमें बताऊंगी कि ये चैप्टर तो बिल्कुल करके ही जाना है, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। अगर कोई ट्रिकी कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूलाज है वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगी। मॉड्यूल 6, मेरे हिसाब से मॉड्यूल 6 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? अगर आपने सारा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, लेकिन अगर आपने एग्जाम हॉल में जो 3 आवर्स का एग्जाम होता है, 3 आवर्स में अगर आपने अपना आंसर सही से रिप्रेजेंट नहीं किया ना, अगर आपने प्रेजेंटेशन आपकी स्किल्स अच्छी नहीं हुई, तो फिर वो जो आपका 6 मंथ्स या 8 मंथ्स या 9 मंथ्स की प्रिपरेशन है ना, वो पूरी की पूरी धरी रह जाएगी। क्योंकि आपका आंसर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आपको मैं बात करूँ, थ्योरी सब्जेक्ट हो गया लॉ और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया टैक्सेशन, इन दोनों सब्जेक्ट में आंसर प्रेजेंटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन मैं प्रैक्टिकल कॉस्ट और अकाउंट्स की भी बात करूँ, अगर आपने सम कर दिए और उसकी वर्किंग सही से नहीं की तो वो प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वो मैं यहाँ पे गाइड करूंगी कि आपकी आंसर प्रेजेंटेशन स्किल क्या, आप कैसे आंसर प्रेजेंट करोगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में। क्योंकि अगर आपने अपने आंसर स्क्रिप्ट में आंसर्स को सही से प्रेजेंट नहीं किया, तो आपने अगर 100 मार्क्स का भी अटेम्प्ट किया ना, तो उसमें 40 ला पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे आपके आंसर्स करेक्ट भी क्यों ना, अगर आपने प्रेजेंटेशन सही से नहीं किया है। अगर एक और बात कहती हूँ, अगर आपने 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है ना, तो एग्जेम्पशन भी आते हैं, ऐसा भी होता है। आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अप्रोच कैसे होनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करोगे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करनी चाहिए, कहाँ कहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि हाँ ये MCQ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो करके जाना चाहिए, एग्जाम में कैसे हम MCQ की प्रिपरेशन करें, क्योंकि MCQ एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे हमारे तो कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो MCQs क्या हो गया, एक इम्पोर्टेंट रह गया कि हाँ यहाँ पे तो हमें अगर 20 मार्क्स MCQs आ रहे हैं तो हमें 20 में 18 या 17 उठाना है, कि बाकी पेपर में बाकी डिस्क्रिप्टिव में कैसे आंसर उठाना है।
तो ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे प्रिपरेशन करना वो मैं बताऊंगी, अगर केस स्टडी या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गए वो कैसे टैकल करना है वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगी। अब आते हैं मॉड्यूल 7। मॉड्यूल 6 और मॉड्यूल 7 जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स है मेरे, इसमें मॉड्यूल 7 में क्या है हमारा, हमारा है कि हमें कितना ऑप्टिमल टाइम चाहिए होता है प्रिपरेशन के लिए, ग्रुप 1 रिवीजन के लिए या ग्रुप 2 रिवीजन के लिए या बोथ द ग्रुप रिवीजन के लिए, क्योंकि आपको रिवीजन ना स्मार्टली करना होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है जब एग्जामिनेशन के 2 मंथ्स रहते हैं ना तो आपके पास क्या होता है कि आपको रिवाइज बहुत स्मार्टली करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है कि क्योंकि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना तो अब जब रिवीजन के लिए बैठते हो तो सिलेबस बहुत वास्ट लगता है, उस टाइम को आप कैसे रिवीजन करोगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ये मैं स्मार्टली बताऊंगी कि रिवीजन करना कैसे है, क्योंकि क्या होता है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या पहले कौन सा सब्जेक्ट चूज करे, कैसे रिवीजन करे, कौन सा टाइम पीरियड रिवीजन के लिए बेस्ट होता है, जैसे टैक्सेशन के लिए कौन सा टाइम पीरियड सबसे रिवीजन के लिए बेस्ट होता है, लॉ के लिए कौन सा बेस्ट होता है, तो ये सारी मैं बताऊंगी टेक्निक्स यहाँ पे। और टिप ऑफ द डे बिफोर द एग्जाम, क्या टिप होना चाहिए एग्जाम्स के पहले वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगी कि एग्जाम से पहले अगर एंजाइटी आती है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एसिंग एग्जाम डे, यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे मैं बताऊंगी कि क्या डू और डोंट्स करने हैं आपको ड्यूरिंग द एग्जाम, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है एग्जामिनेशन हॉल में, आपको अपना टाइम कैसे इफेक्टिवली यूज करना है। जैसे अगर आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पर आपकी राइटिंग स्किल स्लो है तो उस टाइम को आप कैसे मैनेज करोगे वो भी मैं पहले एग्जाम्स के पहले प्रिपरेशन करवाऊंगी कि हाँ कैसे अपने टाइम को वाइजली यूज करना है कि आप अपना आंसर और आप अपना 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि 100 मार्क्स का क्वेश्चन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपका उस पर ही मार्क्स डिपेंड करता है। 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करते हो तो 60-70 आना ईजी हो जाता है अगर अपना प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह अच्छे हैं तो, और अगर आपके अनफेमिलियर क्वेश्चन आ गए, क्योंकि बहुत एग्जाम में क्या होता है आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 के 8 इजी कभी नहीं आता है, हमेशा कोई एक पेपर कोई दो पेपर हमेशा दोनों ग्रुप में से एक एक पेपर हमेशा बहुत टफ आएगा, वो इंस्टीट्यूट का रूल है वो बहुत टफ आएगा, उस टफ पेपर को कैसे हैंडल करना है वो भी टेक्निक मैं यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट का ये रूल है कि एक पेपर तो बहुत टफ आएगा जहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं क्योंकि उसका अगले दिन वो चाहेंगे नहीं कि वो एग्जाम देने जाए क्योंकि वो पेपर ऐसे जाता है, तो उस पेपर को कैसे हैंडल करना है वो मैं बताऊंगी यहाँ पे। बस यही मेरा कोर्स है, तो ये कोर्स सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट और जिसके जो अभी जस्ट फाउंडेशन क्लियर करके इंटरमीडिएट में एनरोलमेंट कराए हैं या जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग गए हैं कोई बात नहीं, ये कोर्स उन दोनों के लिए सबसे। और इस कोर्स की जो फीस है वो बहुत नॉमिनल है, आप यहाँ पे कोर्स फीस आप देख सकते हो 999 इसकी फीस है, बट फॉर अर्ली स्टूडेंट्स जो हमें फर्स्टली ज्वाइन करेंगे इस कोर्स के अंदर, सो फर्स्ट हैंडेड स्टूडेंट्स के लिए 30% का डिस्काउंट कोड है, इट मींस आपको अप्रोक्स 700 रुपीज की कोर्स पड़ेगी जो कि आपकी लाइफ चेंज कर देगी, एंड आई एम 100% श्योर आपका 700 रुपीज वेस्ट नहीं जाएगा, यू विल गेट मोर देन वैल्यू ऑफ 700 रुपीज। ओके, सो आई विल सजेस्ट यू जस्ट क्लिक द लिंक एंड ज्वाइन द कोर्स एंड चेंज योर लाइफ, गिव द डायरेक्शन टू योर कैरियर, बूस्ट योर जर्नी एंड लाइक गिव योर टेंशन टू समवन एल्स, राइट? डोंट टेक टेंशन हाउ टू स्टार्ट सीएमए जर्नी एंड हाउ टू फिनिश योर इंटरमीडिएट जर्नी, एटलीस्ट नॉट यू कांट लाइक टेक टेंशन फॉर दिस थिंग्स। Pooja will help you, she will guide you and you will crack your exam in first attempt. That's it. Okay, so we want to see you in the classroom. हाँ भैया, मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूंगी इसमें, इसीलिए हमने इस कोर्स को बहुत मिनिमम प्राइस पे रखा है कि हर बच्चा अफोर्ड कर सके और हर बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि ये हमारा एग्जाम कैसे पास करना है, इसमें मैं अश्योर करूंगी कि हाँ प्रॉपर गाइडेंस तो आपको मिलेगी और फीस भी बहुत मिनिमम रखा है कि आप बहुत इजिली इस कोर्स को एनरोल करवा सकते। So thanks all for watching this complete video. Bye, take care and see you soon in our classroom.